हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आज मैं बना रही हूँ गोभी के पकौड़े, जिसके लिए मैंने दिया था गोभी का छोटा सा फूल। गोभी ऑलरेडी काट चुकी हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 4 से 5 टेबलस्पून बेसन। मैंने ये बेसन लिया है। अब मैं बेसन को अच्छे से मिक्स करूँगी पानी के साथ। अब मैं बेसन को पानी के साथ अच्छे से मिक्स करूँगी। जब हम बेसन को पानी के साथ मिक्स करें तो पानी एक बार में ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें ताकि बेसन अच्छे से मिक्स हो जाए। और बेसन को ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, थोड़ा पतला करना है। बेसन मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, लाल पाउडर, मिर्च, थोड़ी सी डाल रही हूँ हल्दी। हल्दी से हमारे पकौड़ों का कलर अच्छा हो जाएगा। और थोड़ी सी ग्रीन चिली। अब हम इन सबको मिक्स करेंगे अच्छे से। हमारे मसाले मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे गोभी। गोभी को भी अच्छे से मिक्स करना है ताकि गोभी मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए और बेसन भी इसमें अच्छे से लग जाए। गोभी को अच्छे से मिक्स करें इसमें। मेरी गोभी मिक्स हो चुकी है। अब हम इसके लिए लेंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे ऑयल। ऑयल हम थोड़ा ज़्यादा लेंगे ताकि इसमें हमारे पकौड़े अच्छे से डिप हो जाए और अच्छे से पक जाए। अब देख सकते हो मैंने यहाँ ऑयल ले लिया है, ज़्यादा ले लिया है। और ऑयल को गर्म होने देंगे अच्छे से। ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे गोभी, सॉरी अब हम इसमें फ्राई करेंगे गोभी। गोभी को आपने इसमें थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। अगर आप ज़्यादा डालोगे तो एक तो इसमें अच्छे से आप इसको हिला नहीं पाओगे और दूसरा ये मतलब आपस में चिपक जाएगी। तो आप इसमें गोभी कम डालें और ऐसे हिलाते रहिए ताकि आपस में चिपके ना। पहले हम इसको हाफ फ्राई करेंगे। ये हाफ फ्राई हो चुका है। अब मैं इसको निकाल रही हूँ। अगर आप इसको 2 बार फ्राई करोगे तो आपकी गोभी के पकौड़े बहुत अच्छे बनेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाएगी। ये देख सकते हो आप, ये हाफ फ्राई हो चुके हैं। हाफ फ्राई है और अभी अच्छे से पके नहीं हैं। तो मैं इसको दोबारा फ्राई करूँगी। ये देख सकते हो आप, अच्छे से अभी पके नहीं हैं क्योंकि मैंने इसको अभी हाफ फ्राई किए हुए। अब मैं इसको दोबारा फ्राई करूंगी। अब मैं इसको दोबारा फ्राई करने के लिए डालूंगी। दोबारा फ्राई हो रही है। अब ये फाइनली फ्राई हो चुके हैं। आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर आया मेरे पकौड़ों का और कितने अच्छे बने हैं, कितने अच्छे से पक चुके हैं और क्रिस्पी क्रिस्पी हो गए हैं। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे बन गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, जिससे कि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल गाइज। मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ।